हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस कोर्स में। इस कोर्स को लॉन्च करने की वजह ये थी कि आप जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की एक प्राचीन भाषा है और मैंने भाषा पे काफ़ी काम किया है। मेरा मानना है कि कुछ भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हर भाषा में बहुत फ्लुएंट और बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक और बेसिक तो हर भाषा का आपको आना चाहिए। तो इस बात को दिमाग में रखते हुए हमने संस्कृत भाषा का कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम खुद और आप, हम दोनों, हम सब मिल करके संस्कृत भाषा सीखेंगे। और इसमें आपको मैं ये बताऊं कि संस्कृत भाषा, अगर आपको हिंदी आती है तो वर्ण क्या करें, लिपि एक ही है और बस प्रोनंसिएशन का और भी चेंजेस है। तो संस्कृत भाषा बहुत ही रिच लैंग्वेज है। आपको मैं ये बताऊं कि हिंदू धर्म की का जो वेद है, जो महान वेद है, वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों की भाषा संस्कृत है। अब आप ये बताइए, अगर आप हिंदू हैं तो भी अगर आप वेद को पढ़ना चाहते हैं, और आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरी सलाह है, तो आपको संस्कृत बेसिक लेवल पे तो आना चाहिए। ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन एक बेसिक तो समझिए कि उसका अर्थ क्या है, कुछ तो आप समझिए। सपोज कि कोई लाइन है जिसमें कुछ लाइन में कुछ बातें कही गई है, तो 50% बात तो आपको ट्रांसलेटेड समझ में आना चाहिए। 50% कंटेंट तो आप समझिए, कुछ तो समझिए। तो मेरा मकसद ये है कि इतनी वसी लैंग्वेज, इतनी वाइड लैंग्वेज, जिसमें चार महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदू धर्म से संबंधित, महान पुस्तकें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और महाभारत, उसके बाद महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक, उसके बाद पुराण, 18 पुराण है। तो आप जो भगवद गीता पढ़ेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेटेड पढ़ेंगे, कम से कम कुछ बातें तो समझ में आनी चाहिए। तो मैं और ऐसे भी एक संस्कृत एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, तो हमें थोड़ी संस्कृत तो आनी ही चाहिए। मैं इस मोटो को लेकर के चल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा हर भाषा हमें आना चाहिए। हम हर भाषा पे काम कर रहे हैं, हमने हिंदी पे काम किया है, इंग्लिश पे किया है, उर्दू पे किया है, अरबिक पे किया है, फारसी पे किया है, संस्कृत पे किया है, इतनी भाषा मैं बेसिक लेवल पे जानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेशली इसके लिए टाइम नहीं निकालना है। आप 3 मिनट तो निकाल सकते हैं, अगर आप 3 मिनट निकाल सकते हैं तो ये काम हो सकता है। अपने पूरे 24 घंटे में संस्कृत के लिए 3 मिनट नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो डालूँगा, धीरे धीरे हम लोग जान जाएंगे संस्कृत में क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या है, रोटी बनाओ, खाना खाओ, पानी लाओ, पढ़ाई करो, बैठो, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें जानना है। और आपको मैं आज इंसिस्ट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कृपया कर आप संस्कृत ज़रूर सीखें। ये इस इतनी अच्छी भाषा है, इतने वेद पुराण लिखे गए हैं, और आप इस भाषा को नहीं सीख रहे हैं। आप ये बताइए, मैं आपको ये बताऊं, आम कॉलेजेस में स्टूडेंट का रुझान संस्कृत सीखने के प्रति बहुत कम है। 1% विद्यार्थी के करीब ही एडमिशन ले पाते हैं संस्कृत में, बहुत कम विद्यार्थी संस्कृत में एडमिशन लेते हैं।
और बहुत कम विद्यार्थी का रुझान संस्कृत सीखना है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग संस्कृत को बिल्कुल नहीं, और सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान, चाहे वो जिस तरह के लोग हैं, सबसे ज़्यादा रुझान है इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश की तरफ दौड़ भाग रहे हैं, कोचिंग चल रही है, खूब ज़्यादा इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं, सारे इंग्लिश स्कूल ही हैं, चाहे वो कोई भी धार्मिक स्कूल है उसका नाम इंग्लिश स्कूल है, तो और वो बम बम चल रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा को छोड़े हुए है। तो प्लीज़ आप संस्कृत सीखिए और आप भगवत गीता को, वेद को संस्कृत में पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो संस्कृत से संबंधित मैं डाल दूँगा, उसको आप सुनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।